And I humbly request everyone to be very attentive to this particular chapter. The reason is, this chapter is for certain students, it might be <clears throat> very, very what you call as easy. There are people, and there are people who might feel the story as very boring also. ज वाई यू ऑल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वॉट इज दिस चैप्टर अबाउट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद्टर इंडिगो रैट्राप हमारा हो चुका है

इंग्लिश तो हमारी दो चीजें चलती है वन इज लैंग्वेज द सेकेंड वन इज द स्किल्स द स्किल्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवन वेन यू ऑल आर स्टार्टिंग तो मैं एक चीज हर बच्चे को बोलती हूँ हम पढ़ रहे हैं अबाउट गांधी जीडरशिप स्किलीडरशिप स्किल एंड वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज दट कई लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम है तो नेचुरल है कि देखो प्रॉब्लम ही जो है ओके okay, ये प्रॉब्लम है इसका अभी मेक दिस अरेंजमेंट फॉर दिस बट गांधी जी वॉज अ लीडर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही वॉज अ लीडर हु फोकस्ड ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट ऑन द प्रॉब अच्छा चलो इसका ये तोड़ है ये तोड़ कर दो और फिर हिंदी में हम होते हैं ना जुगाड़ वॉन्टेड टू रूट अवे दैट प्रॉब्लम वो उस प्रॉब्लम की जड़ से जो है उसको निकालना चाहते थे एंड दैट इज वाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर इंग्लिश हमारे लिए इंग्लिश में बहुत जरूरी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं कभी बिलोंग नहीं करती बट इस चैप्टर से मुझे एक चीज जरूर सीख मिलती है कि yes, आई नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रादर देन जस्ट प्रॉब्लम को ऊपर से ऑन द फेस ऑफ इट उसके सरफेस से उसको ठीक करने की जगह मुझे उसके रूट तक जाना चाहिए नाउ एज अ पार्ट ऑफ यूर करिकुलम आपको कैसे लर्न करना है इस चैप्टर को रीडिंग एक अलग चीज है वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर दैट इज समिंग डिफरेंट बट हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है <coughs> The very first is, I'll tell you, this will go in a flow chart, एक flow mein jayega पहला आपका जो है राजकुमार शुक्ला का एक flow आएगा सेकेंड गांधी जी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया था स्टेप by स्टेप वो आएगा देन once दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व एक इसका एक अलग सा एक आता है दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वो तीसरा और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं द फर्स्ट पार्ट अबाउट राजकुमार शुक्ला द सेकेंड पार्ट हाउ गांधी जी हैड टैकल द इशू स्टेप बाय स्टेप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड वन दैट इज हाउ डिड ही गो फर्दर इस चैप्टर से हमें जो है वी आर हैविंग टू लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट तो आते ही आते हैं लॉन्ग भी आते हैं सो द चैप्टर स्टार्ट विथ This is about the 1916 ऐसे लिया

यू विल बी हेयरिंग ओनली थ्री ऑफ फोर नेम्स ज्यादा नहीं सुनोगे आप राजकुमार शुक्ला जो था वेन ही इज अना तो एक और पीजेंट है चलो इसे क्या मिलना है वैसे बहुत सारे लोग आते रहते थे सो ही डिड नॉट टेक मच अटेंशन उन्होंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया बट राजकुमार शुक्ला वॉज अ रिजोल्यूट ये आपके पेपर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज देयर इन द बुक वो एक धुन का पक्का था एंड ही पेस्टर्ड गांधी जी वेर एवर ही वेंट वो जहां पर भी गांधी जी जहां सेशन लेते जहां मीटिंग लेते वहीं पर जाके सबसे आगे बैठ जाता लुकिंग एट हिज टेनिसिटी उसके इस धुन को देखकर गांधी जी वॉज सरप्राइज एंड ही अग्रीड टू मीट हिम उन्होंने कहा कि चलो भाई ये हर जगह मेरा साथ पीछा आ रहा है तो कोई ना कोई बात होगी तो गांधी जी अग्री मीट एंड द मीटिंग राजकुमार शुक्ला दिस चैप्टर एक्चुअल में जो है ये पूरा चैप्टर जो है दिस इंसिडेंट इट वॉज टोल्ड बाय गांधी जी टू द राइटर ऑफ दिस चैप्टर लुइस फिशर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ गांधी जी इसी लिए पूरे चैप्टर में आपको कहीं पर भी गांधी जी लिखा हुआ नहीं, नजर नहीं आएगा इट वु कहीं पर भी वो लिखा हुआ नहीं होगा कि गांधी जी हम जो हम तो गांधी जी बोलते हैं बट इट वुड बी रिटर्न गांधीड बाई गांधी जी टू लुइस फिशर अब गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला से okay. मिल गए जैसे ही राजकुमार शुक्ला ने बताया दैट ही वॉज फ्रॉम द विलेज चंपारण पटना के पास जो चंपारण है वहां पे मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है आपका मोतिहारी है वहां चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं वहां पर ही केम आउट विद अ प्रॉब्लम कि वहां जो फार्मर्स है नंबर ऑफ फार्मर्स मोर देन लैक फार्मर्स उनको ब्रिटिश जो था वो उनको परेशान कर रहा था

देवर इंग्लिश और उन वो लोग अपना लैंड इनको जो है किराए पे देते थे ऑन रेंट लेकिन किराए पर देने के लिए दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट में साइन करने के लिए दे हैव टू गिव सम मनी एग्रीमेंट भी करना है और मनी भी देना है मतलब जो जो उसमें काम करना चाहते हैं दे है वो लोग वहां पर काम करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वो जो खेत है वो उनको किराए पे मिल जाएगा एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म और वो लोग उसमें उगाएंगे इंडिगो <coughs> इंडिगो यानी कि नील जो हम कपड़ों पे लगाते हैं उसके जो पौधे होते हैं लेकिन नील की प्रॉब्लम क्या है कि वो पानी बहुत खींचता है तो वो जो एरिया होता है वो एरिड हो जाता है एंड देन एज अ पार्ट मतलब किराए के तौर पर वो उस नील का कुछ पोर्शन जो है वो किराए के तौर पर लैंडलॉर्ड्स को दे देंगे और जो बाकी बचा होगा वो बेचकर वो अपना कमा सकते हैं वहां और कोई काम था नहीं एंड दिस वॉज ऑन प्लांटेशन मतलब पूरे के पूरे लग, जो लैंड था वो ट्रैक था सो दे बट सडनली ब्रिटिश कि इंडिगो कैन बी डेवलप्ड इन द लेबोरेटरी आल्सो इंडिगो को तो हम लैबोरेटरी में भी बना सकते हैं तो उनको लगा कि बेकार में हम इन पीजेंट्स को पैसा देकर इनको जमीन देकर क्यों कर रहे हैं उन्होंने उस एग्रीमेंट को इमीडिएटली रद्द कर दिया दे एंडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट और पीजेंस को बोला या तो आप लोग लेबर स्लेव्स uh, की तरह काम करो या फिर अगर इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम दिस यू हैव टू पे द मनी बेचारेPoor peasants कहां जाते वो तो बहुत गरीब थे उस वक्त किसी ने राजकुमार शुक्ला को कहा था इफ यू गो एंड मीट गांधी जी ही विल हेल्प हेल्प यू वो आपको एंड दैट इज व्हाई राजकुमार शुक्ला हैड कम टू मीट गांधी जी जब गांधी जी ने पूरी बात सुनी तो ही वॉज मतलब कि उनको दुख हुआ

कुछ दिन के बाद आई एम गोइंग टू कम टू कलकत्ता मतलब मेरा कलकत्ता में एक सेशन है मैं वहाँ आऊँगा एट दैट टाइम तो मुझे मुजफ्फरपुर आ जाना कलकत्ता के पास वो बिहार और उसके बीच में फ्रॉम देयर आई गो टू चंपारण एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट द सल्यूशन आफ्टर द गिवन टाइम टू टू थ्री मंथ्स के बाद ऑन द गिवन डेट रेलवे स्टेशन पर राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को लेने गए गांधी जी जो है उनके साथ पहुंचे बट ही डिड नॉट गो टू चंपारण सबसे पहले वो उस वक्त वहां पर गए राजेंद्र प्रसाद जी के घर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट दैट टाइम उस वक्त वो कांग्रेस कमेटी के मेंबर नहीं थे वो तभी बने थे ये वहां पहुंचे एंड देन राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम ये अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इवेंट जब राजेंद्र प्रसाद वहां नहीं थे एंड गांधी जी वहां पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे द सर्वेंट्स उनको लगा गांधी जी इज अनदर एड वो भी एक रीजन है क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे और वहां पर वो बैकवर्ड एंड अनटचेबिलिटी बहुत माना जाता था तो उनको लगा गांधी जी इज एन अनटचेबल तो उन्होंने जो है गांधी जी को इस शर्त पर ground, पर ऑन दिस ग्राउंड यहां ये जो ग्राउंड है ना दिस इज यूज फॉर द कंडीशन क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम लिखवाया था तो बच्चों ने ग्राउंड को ग्राउंड समझ लिया था ऑन दिस ग्राउंड दैट ही विल नॉट बी टचिंग द वेल वो कुएं से पानी नहीं निकालेंगे क्योंकि उनको लगता था कि कुएं का पानी जो है वो पल्यूट हो जाएगा अनटचेबल है गांधी जी स्टेट दे वहाँ से ईवेंट टू द नेक्स्ट वहां से, से चंपारण की तरफ गए उस वहाँ पर वाइल्ड ही हैड गॉन टू द प्लेस वहाँ ही वॉज रिसीव्ड फ्रॉम बाय हिज फ्रेंड उन्होंने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स ओवर को बता दिया था वहाँ पर तो उनके जो फ्रेंड थे ही वॉज ऑल मतलब वो उनके साथ में उसमें थे कलकत्ता में थे तो शांति निकेतन में ही रिसीव गांधी जी विथ ग्रेज एट द रेलवे प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म में आए थे गांधी जी से मिलने एंड उनके साथ पूरा एक बच्चों का स्टूडेंट्स का क्राउड आया था गांधी जी कहते हैं कि इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टू रिसीव मी एट दट टाइम मैं इस तरीके से मुझे कोई वेलकम करे ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गांधी जी वॉज नॉर्मली ब्रिटिश जो उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं करती थी लेकिन फिर भी वहाँ पर वो पूरे के पूरे अपने स्टूडेंट्स के साथ वो जो स्कूल में जो टीचर थे ही वेंट एंड ही वेलकम गांधी जी वहाँ गांधी जी दो तीन दिन रहे अपने फ्रेंड के पास इन द मीन वाइल्ड ही ट्राई टू गेट द डिटेल्स उन्होंने वहां के जो लॉयर्स थे उनको बुलाया उनसे पूछा व्हाट इज द केस अबाउट ऑन द अदर हैंड उन्होंने ब्रिटिश की जो क्वीन है उनको एक टेलीग्राम भी भेज दिया दैट ही वाज अ चंपारण फॉर सम ऑफिशियल वर्क ताकि लीगली उन पर कुछ मतलब कोई कुछ ना बोले। नाउ द लॉयर्स केम एंड दे टॉकड अबाउट द इश्यू एंड दे ऑल्सो टोल्ड अबाउट दिफ्टी फीस दे चार्ज चार्ज करते हैं फीस वो भी बताया क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी लॉयर तो वो खुश हो जाएंगे उन्होंने बताया कि हम किस तरह कैसे हम मतलब कि फीस लेते हैं और कैसे हम इसको हैंडल कर रहे गांधी जी चाइडेड द लॉयर ये पेपर का क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पेपर चाइडेड मतलब उनको डांट लगाया गांधी जी सेट द अगर आप उनको कचेरी में लेकर जाओगे तो, तो दैट वुड इन स्टिल मोर फियर इन दम उनपे तो और उनको डर लगेगा सो यू शुड है उन्होंने उस केस को खुद ले लिया हैंडल किया नाउ हिस्स नेक्स्ट स्टेप अब उन्होंने एक तरफ ये तो पता कर लिया कि दिस वॉज अ रियल केस दूसरी तरफ उन्होंने अपना जो है सारा अपने फ्रेंड उसको बता दिया नाउ ही हैड टू टैकल दिस केस ही वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिस जो ब्रिटिश कमीशन ऑफिस है वहां वो गए एंड ही ट्राइड टू गेट द डिटेल्स ऑफ द डील क्योंकि डील हुई है तो डिटेल्स भी होंगे द ब्रिटिश कमीशन में जो काम करता था रिफ्यूज गांधी जी एंड ही सेट यू आर अ स्ट्रेंजर यू आर एन आउटसाइडर और हम बाहर के लोगों को वी डोंट गिव एनी डिटेल्स गांधी जी सेट एम नॉट एन आउटसाइडर ये भी पेपर में आया हुआ है मैं आउटसाइडर नहीं हूं वॉट डज इट मीन यहां उनका कहने का मतलब था कि दिस इज माई कंट्री और यू 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 आर आर एन आउटसाइडर बिकॉज़ हैव कम फ्रॉम अनदर कंट्री उनको कुछ नहीं मिला लेकिन उन्होंने क्या किया वहीं पर चंपारण में ही मोतिहारी में ही उन्होंने एक रूम ले लिया एंड ही ट्राइड टू फाइंड आउट द डिटेल ऑफ दिस एंटायर एपिसोड इन द मीन वाइल ही केम टू नो दैट अ फार्मर इन अलदर विलेज हैज बीन बीटन उसको मारा पीटा जा रहा है ही इज मिस रेवेन्यू तो गांधी जी उसे मिलने के लिए हाथी पर बैठकर गए ऑन द वे रास्ते में ही उनको रोक लिया एंड ही वॉज गिवन अस उनको सिर्फ एक नोटिस मिला जिसमें ब्रिटिश ऑफिस ने लिखा होता लीव चंपारण इमिडियटली गांधी जी रिसीव द नोटिस साइंड ऑन इट एंड ऑन इट्स बैक ही और उन्होंने नोटिस दे दिया लेकिन अगले ही दिन उनको कोर्ट का समान आ गया ना नोटिस तो एक नॉर्मल था लेकिन कोर्ट के समान को तो ही कैन नॉट इवेड ना उसको तो वो नहीं बचा सकते थे एंड ही हैड टू अपियर इन द कोर्ट गांधी जी कोर्ट पहुंच गए इस दौरान द एंटायर एरिया ऑफ चंपारण चंपारण के आसपास जितने एरिया थे सबको पता लगा कि एक आदमी है जिसका नाम गांधी है क्योंकि उस उन दिनों में गांधी वॉज नॉट दिस मच फेमस ही वॉज नॉट यू नो हमारे लिए तो ही इज देयर इन आवर नोट ऑल्सो एंड ही इज देयर इन आवर नोट्स ऑल्सो बट ही वॉज नॉट दैट मच फेमस सबको पता लगा कि कोई महात्मा आया है जो उनके लिए लड़ना चाहता है। so everybody wanted to see जी की कौन है वो? So the court के आसपास जो है, it was crowded. अब गांधी जी को, सॉरी no, ब्रिटिश uh, ने देखा इतना क्राउड ने कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड दे वर नॉट एबल टू रेगुलेट द क्राउड उनको क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा था ऑलरेडी एक बार जल्द वाला बाग में हो चुका था सो दे वर के तो उन्होंने जो है गांधी जी को बोला कि थोड़ा ये क्राउड को रेगुलेट कर दो वहां सब लोग आए हुए थे ये देखने के लिए कि कौन है जो बाहर से आकर भी हमारे लिए जेल जाने के लिए तैयार हो गया तो गांधी जी ने कहा वन इम्पोर्टेंट फ्रेज दैट आज तो मैं ये क्राउड को कंट्रोल कर दूंगा कंट्रोल दिस रेगुलेट दिस बट इफ आर हितो इज चैलेंज अगर आप इसी तरीके से इंडिया को चैलेंज करोगे ना तो, ब्रिटिश मतलब पजल्ड उनको समझ नहीं आया गांधी जी क्या कहना चाहते थे ही मेन टू से अब जो है इंडियंस चुप नहीं बैठेंगे ही वॉन्टेड टू से नाउ ही वॉज प्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ मेजिस्ट्रेट

कंसाइन्स टूअर्ड्स दैट लॉ ऊपर वाले का जो लॉ है उसके लिए उसका सर झुक रहा था एंड दैट लॉ जो ऊपर वाले का लॉ है वो कहता है दैट यू शुड हेल्प पुअर पीपल उसने कहा मैं वैसे तो आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन लेकिन हेयर आई एम नॉट ब्रेकिंग द लॉ बिकॉज आई एम अ लॉ ब्रेकर आई एम ब्रेकिंग दिस लॉ बिकॉज आई वॉन्ट टू फॉलो ह्यूमैनिटी मैं ये ह्यूमन ग्राउंड्स पे कर रहा हूँ अब ये बात सुनकर जो है मैजिस्ट्रेट भी थोड़ा मतलब कि शॉक हुआ उन्होंने ब्रेक लेने के लिए बोला 120 मिनट्स के लिए दैट इज 2 आवर्स के लिए उन्होंने कहा यू हैव टू फर्निश्ड अ बेल गांधीजी रिफ्यूज्ड टू गिव द बेल उन्होंने कहा मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा तो मैजिस्ट्रेट ने उनको जो है बिना बेल के खान में छोड़ा हुआ था इस वक्त जो लॉयर्स उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे डॉक्टर मतलब कि उस वक्त में अब्दुल कलाम मतलब वो अबुल वा ये वा नहीं अबुल कलाम करके थे देवर मैनी पीपल जो रेनाउंड थे जो उन्होंने बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जॉइन किया था दे ऑल केम टू मीट गांधी जी एंड दे ऑल वर अशेम्ड ऑफ्स राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि जब उन्होंने देखा गांधी जी एक आउटसाइडर होकर मतलब he was basically उनका जो uh, place था वो डेली लाहौर वगैरह होता था वो यहाँ आकर भी टू गो टू लेकिन ये लोग यहाँ रहकर भी मतलब जो लॉयर्स हैं वो लोग वहां के लोकल थे बट दे विल

वर्किंग विद कॉमन पीपल तो अब ब्रिटिश को कौन मतलब कीप कर सकता है इन द मीन वाइल वहां कोर्ट में आफ्टर टू आवर्स कुछ भी नहीं हुआ उनको तो बेल पर छोड़ा हुआ था द लैंड लॉर्ड एंड ऑल वर वहमेंट वहमेंट इस वर्ड इस वाले चैप्टर में आपको वहमेंट जो वर्ड है वो बार बार आएगा वहमेंट मतलब वेरी uh, बहुत ही जिद कर रहे थे दे वोसिंग लेकिन गांधी जी को जो है ही हैड बीन एनी मतलब उनको बेल नहीं दी गई थी बेल नहीं लिया था उनसे को छोड़ा हुआ था फ्री नाउ गांधी जी वॉन्टेड दैट ये जो है मतलब दिस uh, केस है इसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए ऑन द अदर हैंड जो मतलब कि लैंड थे ब्रिटिश पोलिस थे वो लोग नहीं चाहते थे एनी anyway, गांधी जी वॉज नॉट मतलब कि अब गांधी जी जो है उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया स्ट्रेटजी वॉट वॉज द स्ट्रेटजी गांधी जी ने कहा कि फाइ गो टू जेल अगर मैं जेल जाऊंगा तो जितने भी लॉयर्स हैं वो पेयर में कैसे जेल जाएंगे उन्होंने एक स्ट्रेटजी ड्रॉ किया लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना गांधी जी जेल गए ना ही कोई और गया द केस वॉज गिवन टू द लेफ्टेंट गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नाउ सबको लगा कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया तो अगेन देर माइट भी हो सकता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर ले गांधी जी एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड फोर प्रोट्रैक्टेड मीटिंग। ये पेपर में आता है प्रोट्रैक्टेड मतलब आपको पता है ना प्रोट्रैक्टर मतलब होता आपका डी यानी कि एंगल यानी कि चार अलग अलग एंगल से मीटिंग हुई एंड अल्टीमेटली इवन तब भी लग रहा था दट गांधी जी मे गो टू जेल बट ऐसा कुछ नहीं हुआ इन फैक्ट के एक कमीशन सेटअप किया गया ऑन वन साइड ऑफ द कमीशन गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंस की तरफ से गांधी जी अकेले थे एंड ऑन अदर साइड ऑल द पीपल ऑल द जिनको हम बोलते हैं जितने भी उनके लैंड uh, लॉर्ड्स थे जो मालिक थे द पोल द इंग्लिश ऑफिसर्स सब एक तरफ केस सेवन एट मंथ्स चला एक एक छोटे से छोटे डिटेल्स को जो है लिया गया गांधी जी हैड रिसीव द मतलब उस वक्त में पीपल यूज टू नॉ साइन तो सब लोग नहीं करते थे बट दे यूज टू पुट देअर अपना थम प्रिंट डालते थे तो गांधी जी हैड रिसीव्ड इतने पीजेंट्स के ही वाज अकेले मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड ईच एंड एवरी डिटेल वाज स्टडीड एंड अल्टीमेटली इट वाज फाउंड दैट द पीजेंट्स वर नॉट रॉ द लैंडलॉर्ड्स वर रॉ अब बात आई और इन इस दौरान अगेन द लैंडलॉर्ड्स वर वेहेमेंटली प्रोटेस्टिंग कि इस मतलब कि कमीशन को बंद कर दिया जाए लेकिन वो नहीं हुआ देन व्हाट हैपेंड कमीशन सेट हो गया था का मिशन जो है उसने अपना मतलब कि वो भी बता दिया था व्हाट वाज इट्स आउटकम वो भी बता दिया था अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड फॉर गोइंग फॉर एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सेटलमेंट होने की अब बात था अब सेटलमेंट <coughs> के अकॉर्डिंग तो गांधी जी शुडावास फुल मनी पूरा पैसा लेना चाहिए था बट गांधी जी आज फॉर फिफ्टी ऑफ द टोटल मनी उन्होंने फिफ्टी परसेंट मांगा जो भी पैसा उन्होंने दिया था उसका फिफ्टी परसेंट रिफंड करने के लिए बोला लेकिन लैंडलॉर्ड ने सामने से काउंटर अटैक किया एंड ही सेड दैट ट्वेंटी फाइव मतलब वो लोग लैंडलॉर्ड्स से उन्होंने कहा ट्वेंटी फाइव परसेंट गांधी जी Agreed to this proposal without any hesitation. He uh, मतलब कि agreed anonymously. आपके पेपर में आ रहा है anonymously. Anonymous मतलब उन्होंने कोई भी उसपर रोक टोक नहीं किया उन्होंने मान लिया. Once again a repeated question of boards and once again it is there in your question in your book only. Why did he agree to twenty five percent जबकि fifty percent मांगा गया था? There were two reasons. First

इवन दो देव गिवन ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ये देव पार्टेड अवे विद डिग्निटी हार तो उनकी हो गई ना चाहे उन्हें पच्चीस परसेंट देना पड़ा या पचास परसेंट हार तो उनकी हो ही गई सो इट इज नॉट द मैटर ऑफ मनी एंड हमने ब्रिटिश को हरा दिया दैट इज अन मोटो ये कहकर उन्होंने जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट को सपोर्ट किया सो so नाउ ये आपका जो था दिस वाज द एपिसोड ऑफ व्हाट वी कॉल तो क्या ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई नो दिस वाज नॉट द वन विच एंडेड हेयर ये आपकी तो वो स्टोरी थी जो कि आपका इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स थी

ये पूरा मतलब जब भी पेपर में आया है दिस क्वेश्चन हैज कम फॉर टेन मार्क्स मतलब जब वो टेन मार्क्स का भी हुआ करता था एक जमाने में फिर जब एट मार्क्स का था तब एट मार्क्स में भी आया हुआ है दिस ईयर वॉट एवर इट मे बी इट मे कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन सो नाउ ही सो दैट मतलब वो वहां पर पहुंचे वेंट टू चंपारण एंड ही सो दैट द पीपल लिव्ड इन स्क्वालर ऑफ पोवर्टी इट वॉज एक्सट्रीम पोवर्टी जिसमें वो लोग रह रहे थे इसीलिए वो लोग इतने डरे हुए थे बिकॉज़ उनको ऐसा लगा था कि दिस इज मतलब कि दे वर नॉट हैविंग एनी क्लोथ्स, दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मनी वो लोग कुछ भी नहीं था Secondly, वहां पर क्या है? बीमारी के लिए कोई डॉक्टर नहीं था. स no पास में कोई स्कूल नहीं था अल्टीमेटली वर लिविंग इन कंप्लीट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर गांधी जी ने क्या क्या किया सबसे पहले ही कॉल्ड अपज वाइफ उन्होंने अपने जो वाइफ है उनको बुलाया कस्तूरबा को एंड उनको बुला कर ही आस्ट हर्म टू गिव द लेसन्स ऑफ हाइजीन टू द पीपल जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको जो है हाइजीन की मतलब हाइजीन के बारे में बताएं उन्होंने किया सेकेंडली ही कॉल्ड यंगेस्ट सन उनके जो सबसे छोटे थे देवदास देवदास गांधी जी उनको बुलाया <coughs> उनको भी बुलाया

उनके पास तीन मेडिसिन थे एक क्लोरिन क्विनाइन सॉरी क्विनाइन द वन विच इज गिवन फॉर मलेरिया सेकेंड इज कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है विच यू हम लोग यूज करते हैं फॉर गाड़ियों में भी यूज किया जाता है आंखों वगैरह के लिए यूज किया जाता देन ही यूज थर्ड वॉज अ सल्फर ऑयन कहीं पर भी फोड़े फुंसी हो ब्लिस्टर्स हो उन पे लगाने के लिए ये तीन मेडिसिन थे जिनको भी फीवर होता द गव द डॉक्टर जो है कैस्ट्रॉल क्विनाइन होती वो दे देती दे थी किसी की भी नाक जो है वो वाइट होती टंग कोटेड होता तो उसको ऑयल पिला दिया जाता और किसी के भी जो है इफ़ द पर्सन वॉज हैविंग ब्लिस्टर्स तो उसको सल्फर ऑयलमेंट दे दिया जाता और इस तरीके से ट्रीटमेंट होती है नाउ गांधी जी स्पोक टू द अथॉरिटीज उन्होंने वहाँ पर जो है अथॉरिटीज़ को लिया एंड अथॉरिटीज़ को लेकर उन्होंने जाकर जो है बोला कि यहाँ पे स्कूल्स एंड ओपन द स्कूल्स एज वेल एज द हॉस्पिटल्स सिक्स डिस्ट्रिक्ट में

दे हैव अ सिंगल साड़ी जिसको वो पहनते हैं देव एनी थिंग बट मिसेस गांधी जो है शी गेव दाइजीन उनको नहलाना धोना ये सब सिखाए है इन दिस मैनर गांधी जी उनकी वाइफ उनके बेटे और उनके सबने मिलकर वहां का जो एरिया था उसको डेवलप करने की कोशिश की गांधी जी हुली वहां पर गए थे थोड़े टाइम के लिए दिस एपिसोड टुक वन ईयर ऑफ हिस्सा इन गांधी जी लाइफ बिकॉज ही लर्न द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वाई दे आर सोर्ड and how he can mobilize the entire india into one this way gandhi ji jo hai he was there. in fact baad mein baad mein when he came back to jo wahan ke jo log the wo itne matlab ki ignorant the kyunki wahan par they did not have any toilets and all to wo trenches होते थे गड्ढा खोदते थे टॉयलेट्स वगैरह के लिए तो जब वो भर जाता था तो वो Gandhi ji को letter लिखते थे कि हमारा ट्रेंच भर गया तो गांधी जी उनको वहां से लेटर लिखते थे तुम तो इसको बंद करके दूसरा खोलो दिस वे गांधी जी हेल्पड टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड इज सम पीपल आस्क्ड उनके एक फ्रेंड थे एंड्रयू उनके एक बहुत ही खास दोस्त थे एंड्रयू ही वाज अ ब्रिटिश एंड ही वाज गोइंग टू फिजी आइलैंड तो जाने से पहले वो गांधी जी से मिलने वहाँ आए हुए थे तो वो उन दिनों वो वहीं पर थे एंड बींग ब्रिटिश ही स्टेइंग देयर तो मेनी ऑफ द पीपल हैड गांधी जी है आप चार्ल्स Andrew, चार्ल्स आप इसका हेल्प क्यों नहीं ले लेते हो ही बट गांधी जी सेट आई डो नॉट वॉन्ट अ प्रॉप फॉर माई सेल्फ प्रॉप होता ना आप लोग वो जब डांस करते तो हाथ में रखते हैं मतलब सहारा

ट्रायम फ्रिम द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि लोगों ने जो है इसमें जो है दे हैड हाँ पार्टिसिपेटेड आपके बैट में क्वेश्चन है नीचे दैट वॉट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमन पीपल टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस सो यू कैन से दैट देवर दन एंड इन दिस मैनर सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पर जो भरोसा दैट बिकेम द मोटो फॉर गांधी जी So this is the story of Indigo.